आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। रिटर्न दाखिल करने वालों में कई व्यापारियों का डाटा दिल्ली से सीजीएसटी विभाग को मिला है, ये कहना है सीजीएसटी कमिश्नर ललन कुमार का। कमिश्नर का कहना है कि रिटर्न दाखिल करने और टैक्स जमा करने से ही सरकार देश का विकास कर पाती है। रिटर्न 3B कुछ कंपनियां जमा नहीं कर रही हैं। ऐसे में सीजीएसटी विभाग को दिल्ली वित्त मंत्रालय से कई कंपनियों और व्यापारियों का डाटा मिला है। सीजीएसटी कमिश्नर ललन कुमार का कहना है कि लगभग 16 लोगों का डाटा मिला है जिन्होंने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है। तो इस तरह से करीब हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहां भी करीब 8-10 करोड़ रुपए की रिकवरी के चांसेस है। और पिछले महीने हमारी रिकवरी जो है जनवरी में लगभग 110 से 15 करोड़ के आसपास रही थी। तो अगर यही रफ्तार बनी रही तो हमारा ये घाटा जो हमने आपको 25% का बताया वो घट के नेशनल एवरेज जो 10-12% है वहाँ तक पहुँच जाएगी। इसके साथ ही DDS के भी मामले हैं, कंपनियों से वसूली करनी है। अब तक लगभग 16 करोड़ रुपए की वसूली होनी है। तो बहुत सारी कंपनियां दाखिल नहीं कर चुक रही हैं अभी, जो भी कारण रहा हो। तो हमारी उन सबसे अपील है कि अपना रिटर्न समय से दाखिल कर दें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें, क्योंकि इन्हीं टैक्सों के बल पर सरकार की योजनाएं और सारी कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी हैं राष्ट्र के अंदर चलती हैं, जो हमारे महामहिम प्रधानमंत्री चलाना चाहते हैं, वित्त मंत्री महोदया चलाना चाहती हैं। तो इसके लिए धन उपार्जन का साधन तो टैक्स ही है। तो हर एक व्यक्ति से आग्रह है जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं कि वो समय से रिटर्न दाखिल करें अपने। अब 2 महीने के रिटर्न ही दाखिल होने हैं बेसिकली, तो अगर समय से दे देंगे तो हमारा स्थिति अच्छी हो जाएगी। सीजीएसटी कमिश्नर ललन कुमार का कहना है कि जो भी व्यापारी रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे या फिर अपना बकाया नहीं जमा करा रहे, विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगा। लेकिन सबसे पहले उनकी अपील यही है कि व्यापारी अपना रिटर्न समय से दाखिल करें और अपना टैक्स भी समय पर सही आंकलन कर चुकाएं। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।